मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। अब माताओं को एक छोटी सी बात कहनी है कि हमारे घर में अक्सर माताएं गर्भावस्था में जब आती है ना, तो आजकल एक बीमारी हो गई है कि डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, बच्चा वहां पे होगा, फिर डॉक्टर उसको कहता सीजेरियन करो, पेट काट के बच्चा निकालो। जिस माँ को एक बार ऑपरेशन हुआ उसकी जिंदगी नरक हो जाती। पता है क्या होता है, मैं अब आपसे डॉक्टर की बात कहना चाहता हूँ, जिस माँ को बच्चे के जन्म के लिए पेट कटा उस माँ को जिंदगी भर वजन बढ़ता रहता है, अब वो मोटी 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 होती जाती है। अब वो माँ सोचती है कि मैं तो कुछ खाती नहीं फिर भी वजन क्यों बढ़ रहा, वो वजन बढ़ा सीजेरियन ऑपरेशन के कारण, और उस वजन को कोई कम नहीं कर पाता, फिर उस वजन के कारण घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, फिर सब बीमारियां आती है। तो इसलिए माताओं को निवेदन है कि बच्चों के जन्म के लिए कभी भी ऑपरेशन ना करें। फिर आप बोलेंगी क्या करें, मेरी दो तीन बातें ध्यान से सुन लेना, और ये सब बहनें भी सुन लें इस बात को, कभी भी किसी माँ को गर्भावस्था हो तो उसको ऑपरेशन ना कराना पड़े, इसके लिए छोटे छोटे दो तीन उपाय। पहला उपाय ये है कि हर दिन रात को माँ को गाय का दूध पिलाना घी डाल के, घी देशी और गाय का दूध देशी गाय का, तो गाय के दूध में एक चम्मच घी मिलाओ, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिलाओ, और रोज रात को पिलाना जब माँ को गर्भावस्था हो। दूसरा, जिस माँ को गर्भावस्था होती है ना उसको बच्चा स्वस्थ तंदुरुस्त पैदा होना चाहिए, बीमार ना हो। बच्चे के स्वस्थ पैदा होने का सबसे बड़ा आधार है कैल्शियम। कैल्शियम नाम का एक रसायन होता है जो गर्भावस्था में माँ को सबसे ज्यादा जरूरी होता है, बच्चे के लिए और माँ के लिए। कैल्शियम अगर शरीर में ज्यादा है ना तो हड्डियां लचीली रहती, और हड्डियां लचीली रहना तो सारा शरीर फ्लेक्सिबल होता है, और शरीर लचीला हो तो गर्भ से बच्चा आसानी से बाहर आता, उसको तकलीफ नहीं होती ज्यादा, माँ को भी तकलीफ नहीं होती। इसलिए शरीर में लचीलापन लाने के लिए कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम खिलाओ माँ को। कैल्शियम का मतलब होता है चूना खिलाओ, चूना समझते, पान में जो लगाते और जो पुताई करते, पुताई वाले चूने को पानी में डाल दो, 20-25 दिन पड़ा रहने दो, ठंडा हो जाएगा, फिर पानी ऊपर आ जाएगा, चूना नीचे बैठ जाएगा, उसमें से एक छोटा सा चुटकी भर चूना जीरे के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर किसी भी गर्भवती माँ को खिलाना है, पानी में मिला के दे दो, या तो दाल में मिला के दे दो, या छाछ में मिला के दे दो, या दही में मिला के दे दो, किसी में भी मिला के खिला, थोड़ा सा चूना रोज खिला, 9 महीने लगातार खिलाना। जो माने थोड़ा थोड़ा चूना रोज खा लिया 9 महीने, उसको कभी भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस माने रात को दूध पिया घी डाल के, उसको कभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारे बच्चे जो ऑपरेशन से होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, दिमाग से कमजोर होते हैं, शरीर से कमजोर होते हैं। मैं तो देश भर में देखता हूँ सीजेरियन जितने बच्चे हैं, माता पिता को तकलीफ करते हैं, खुद को तो जिंदगी भर तकलीफ देने वाले। इसलिए कोई भी बच्चा भगवान की कृपा से स्वस्थ और तंदुरुस्त दुरुस्त पैदा हो, इसके लिए सब व्यवस्थाएं भगवान ने शरीर में कर रखी है, बस थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। तो माता इसको याद रखें, सभी भी गर्भवती माओं को बहनों को रात को दूध पिलाना घी डाल के, थोड़ी हल्दी डाल के, और सवेरे चूना खिलाना दूध सॉरी दही में, नहीं तो छाछ में, नहीं तो दाल में, नहीं तो सब्जी में, नहीं तो पानी में मिला। ठीक है, और एक निवेदन माताओं से अगर हो जाए तो, कि जो गर्भवती माताएं हैं वो भी, और स्वस्थ माताएं वो भी, और भाई भी कर सकते हैं इस काम को, 15 मिनट रोज चक्की चलाना, क्या कहते हैं उसको, घट्टी। ये जो घट्टी होती है ना, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइजर है। इस घट्टी को चला के मैंने देखा, इस घट्टी को चलाने में सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है पेट पर, और माँ के पेट में गर्भाशय होता है,
तो बार बार जब हम घंटी चलाते हैं तो गर्भाशय जो है ना, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घूमता है। और 15 मिनट रोज आपने ये घुमा दिया तो बच्चा तो एकदम स्वस्थ दुरुस्त और तंदुरुस्ती होगा और बिना मां को तकलीफ के होने वाला है, क्योंकि गर्भाशय में फ्लेक्सिबिलिटी अगर है किसी भी मां के तो बच्चा तो आराम से बाहर आ जाए। तो 15-20 मिनट माताएं घंटी चलाएं, अगर गर्भावस्था में है तो स्वस्थ है तो भी चला सकते हैं, और भाई लोग घंटी इसलिए चलाएं कि पेट अंदर हो जाएगा सारा। ये आजकल सबकी टोन बाहर निकल आई है, माताओं का पेट बाहर आए तो समझ में आता है वो गर्भावस्था में है, ये पुरुष किस चक्कर में पेट बाहर निकला, इनकी टोन बाहर क्यों आनी चाहिए, तो ये अंदर जाना चाहिए उसे। और अंदर ले जाने का सबसे सरल उपाय है घट्टी चलाना, 15 मिनट चलाओ लेकिन रोज चलाओ, सब पेट अंदर चलाओ।